हेलो एवरीवन, इस फोटो को यहाँ से यहाँ तक ग्रेड करने के लिए मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से ब्लैक डार्क टोन अपने फोटोज़ में डाल सकते हो। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियो बनाता रहता हूँ, फैशन से, स्टाइलिश से, फोटोग्राफी से, और मेरे ब्लॉग्स भी आते रहते हैं इस चैनल पर। एंड सब्सक्राइब करें और चलते हैं हम अपनी फ़ोन स्क्रीन पर, क्योंकि ये सब बातें हम फ़ोन स्क्रीन पर करेंगे कि आप किस तरीके से अपने फ़ोटो इस टोन में एडिट कर सकते हो। सो लेट्स गो। तो अब हम आ गए हैं अपनी फ़ोन स्क्रीन पर। हम इस फोटो को उसी तरीके से एडिट करेंगे जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा या मैंने जैसे वीडियो में दिखाया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें लाइटिंग एडजस्ट करेंगे। तो लाइटिंग एडजस्ट करने के लिए आपको एडिट पर क्लिक करना है, देन फिर लाइट्स पर क्लिक करना है। इसका थोड़ा एक्सपोजर मुझे ज़्यादा लग रहा है तो उसको मैं थोड़ा कम करूँगा। ये -0.38 काफ़ी है। एंड फिर इसका कंट्रास्ट मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 5%। हाइलाइट्स इसकी थोड़ी सी और हमें बढ़ानी है, 5%। और शेडो इसकी रहेगी 15-15, ताकि अलग से जब पूरा एडिट हो रहा है इसमें थोड़ी जो ब्लैक टोन है वो बहुत अच्छे तरीके से आए। और इसका जो वाइटनेस है, वाइटनेस हम थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन 15 हमारा हो गया वाइटनेस। अब बात आती है ग्रेडिंग की, हम ग्रेड कैसे करेंगे, इसको कलर मिक्स कैसे करना है। सबसे पहले ग्रेड बाद में करते हैं, पहले कलर मिक्स कर लेते हैं। कलर मिक्स करने के लिए आपको कलर मिक्स पे क्लिक करना है। रेडिश अभी आपको नहीं छेड़ना है, आपको ऑरेंज पे जाना है। ऑरेंज की स्किन, जो आपका स्किन कलर है, उसको हल्के से उसको टोन को बढ़ाना है, 20 तक आप लेके जा सकते हो। एंड देन जो येलो है उसकी सैचुरेशन आपको ज़ीरो करनी है, उसकी ल्यूमिनेंस भी ज़ीरो करनी है। और ग्रीन को आपका नहीं छेड़ना है क्योंकि इसमें ग्रीन कोई सेक्शन नहीं है, ग्रीन को एडजस्ट कर सकें। और इसका जो स्काई ब्लू है वो आपको ज़ीरो पे करना है, -100 पे करना है मतलब कि। और इसकी ल्यूमिनेंस भी आपको माइनस पे करनी है। और सेम एज इट इज़ जब हम डार्क ब्लू पा देंगे तो डार्क ब्लू में भी आपको सैचुरेशन जो है वो -100 ही करनी है। तो अब आप आते हैं टेम्परेचर पर। टेम्परेचर इसका थोड़ा इसका हम हल्का सा बढ़ा देंगे, यानी कि 5% काफ़ी है, 5%। और इसकी टेंट अभी नहीं छेड़ेंगे हम, विब्रेंस को थोड़ा बढ़ाएंगे 15। अब बात आती है इसमें ग्रेड कैसे करेंगे। ग्रेड करने से पहले हम थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, इसको -5 या 8, ठीक है, जिससे स्किन जो क्वालिटी होती है वो अच्छी लगती है फ़ोटो में। क्लैरिटी को हम 10% बढ़ा रहे हैं। और हमें विगनेट चाहिए नहीं तो, और ग्रेन भी नहीं चाहिए तो वो हम नहीं चूज़ करेंगे। अब जाते हैं दोबारा कलर पर। कलर पर जाने से पहले और हमें थोड़ा सैचुरेशन इसका हल्का सा बढ़ाना है, सैचुरेशन रखना है इसका 4। अब आते हैं कलर ग्रेडिंग की बात। कलर ग्रेडिंग, जैसे आप कलर ग्रेड में जाओगे तो आपको यहाँ 3 सेक्शन मिलेंगे और 4th इसका ऑल ओवर सेक्शन होता है। तो फर्स्ट जैसे आप करोगे तो इसमें हमें डार्केस्ट टोन चाहिए, तो डार्केस्ट टोन हमें हल्का सा इसको ऊपर बढ़ाना है और ये ऑरेंज को शेड देनी है। ऐसे आप घुमाओगे, घुमा के देख सकते हो आप किस तरीके का आपको शेड चाहिए। तो हमें डार्केस्ट चाहिए तो हम ब्लू के साइड थोड़ा कम करेंगे, और अगेन हम हल्का सा ब्लू के साइड इसी को करेंगे ताकि हमारा थोड़ा जो टोन है वो डार्क लगे। अभी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसी तरीके से इस थर्ड वाले सेक्शन को मैं नहीं छेड़ूंगा, और इसमें हम अगेन ब्लू के साइड थोड़ा करेंगे। ये हमारी ग्रेडिंग सेट होगी। आप चाहो तो इसकी थोड़ी चमक बढ़ा सकते हो इस तरीके से, लेकिन हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें डार्क टोन चाहिए, तो इसलिए वो कर दूंगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा फोटो। अब डन करते हैं हम इसको। डन करने के बाद आपको अगेन अब जो इम्पोर्टेंट काम है वो जाना है आपको कर्व पे। अब कर्व पे आपको वाइट पे क्लिक करना है, रेड पे नहीं करना, ग्रीन पे नहीं करना, ब्लू पे नहीं करना, वाइट पे क्लिक करना है। और इसका जो सेट है वो बनाना है आपको थोड़ा एस टाइप, हल्का सा मतलब एस टाइप आपको उसको शेप देना है। जैसे ये घटाना है आपको, यहाँ से हम पॉइंट आउट कर लेते हैं, ये बढ़ा देते हैं, यहाँ से पॉइंट आउट करके इसको नीचे कर लेते हैं, यहाँ से पॉइंट आउट करके हम इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से पॉइंट आउट करके इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम इसको थोड़ा यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो गया। और ऊपर से हम इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, बीच में से करके देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब देख रहे होंगे आप, ये मतलब प्रॉपर एस नहीं बना लेकिन थोड़ा बहुत एस जैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कलर्स में जाके, जब आप कलर सेक्शन में जाओगे वहाँ टिंट का इफेक्ट है, अब उसको हम स्केल करेंगे नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, क्योंकि हमें डार्केस्ट टोन चाहिए, इधर नहीं चाहिए, इधर चाहिए, तो हम -7 कर लेंगे, -7। तो फ्रेंड्स, हमारा फोटो रेडी है यहाँ से यहाँ तक।
तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।